अजीब सी किस्म की वो हरकतें कर रही थी, बियर्ड उसकी बॉडी एक्शन था, मैं तो समझता हूँ कि वो मुजरिम है। जहाँ बक होने वाले इमरान आरिफ के भाई ये इस मुकदमा में मुदई भी हैं कि जब इनके पास इतला आई इन्होंने क्या कार्रवाई की। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसने मुझसे कहा कि 151 का बयान है, ये FIR नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, आपके गम में इस दुख की घड़ी में हम बराबर के शरीक हैं। ये बातें सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश हैं कि जो मुलजिमा है नताशा, उनके वकील की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको जहनी बीमार या पागल करार देने की कोशिश की जा रही है, तो आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? मैं तो बस सिर्फ इंसाफ का तलबगार हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो निज़ाम है, जैसा फरसूदा सही, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि वो मुजरिम है, लेकिन कानून की जो भी रिक्वायरमेंट है, कानून अपना रास्ता ले और अपना काम करे। तदफीन करने के बाद जब मैं वापस आया तो मुझे किसी ने व्हाट्सएप में FIR भेजी थी, और जो है जब मैंने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था उससे जब मैंने पूछा था कि ये क्या आप FIR लिख रहे हैं, तो उसने मुझसे कहा कि 151 का बयान है, ये FIR नहीं है। मुझे उन्होंने दो टोक ये बात नहीं बताई कि जो है जो मेरा ये बयान ले रहे हैं इसको FIR में कन्वर्ट कर देंगे, अदरवाइज़ मैं हर सूरत में सुबह के वक्त FIR को लिखवाने के लिए थाने में जाता और जाके जो है मैं ये देखता कि जो है FIR जो है सही तरीके से इसका इंदराज हो सके। नताशा नामी खातून के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, आपके हिसाब से ये FIR ठीक बनती है या कमज़ोर FIR पुलिस ने दर्ज की है? अजीब सी किस्म की वो हरकतें कर रही थी, अजीब सी किस्म की वो वियर्ड उसकी जो है बॉडी एक्शंस था, हाथों को ऐसे नचा रही थी। अवामी राय ये आ रही है कि खातून जो है वो नशे में थी, जब आपकी मुलाकात हुई, आमना सामना हुआ, तो आपको भी यही महसूस हुआ कि खातून ने नशा कर रखा है? जी 100% मुझे जो है ये महसूस हुआ, क्योंकि वो अजीब ही मतलब वियर्ड किस्म की एक्शन करी थी और मेरी तरफ देख के जो है उसने अजीब सी बातें की। जो भाई आपके जहाँ भाग हुए हैं इमरान आरिफ, जाहिर सी बात है उनकी बेटी थी, ये उनको रोज़ लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे। अब तक की जो इत्तला आई है, जो मेरी दो चार लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि अपनी बेटी को जाहिर सी बात है जवान बेटी थी, कारसाज के पास कहीं जॉब करती थी, रोज़ लेने जाते थे, रोज़ छोड़ने आते थे। जी बिल्कुल, ये जो है वो बड़ा कॉशियस था इस मामले में, जो है स्कूल से जो है वो इसको स्कूल में भी छोड़ता था और उसको जो है पिक करके लेके आते थे। आखिरी का सेमेस्टर चल रहा था जिसमें जो है वो अपना रिसर्च का काम कर रही थी, वो समथिंग रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उसका टॉपिक था, और वो जो है अपने सारा कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुकी थी और मुझे पता है कि वो किस तरीके से अपने कोर्स की फीस जमा कराती थी। तो ये जो नताशा है, जो मुलजिमा है, जिसको ज़हनी मरीज करार दिया गया, उसके वकील की जानिब से इनके शौहर सुनने में आए कि पाकिस्तान के कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उस फैमिली की तरफ से आपसे कोई राब्ता किया गया, कोई ताज़ियत के लिए आए हों, किसी हवाले से कोई पैगाम भिजवाया हो? नहीं, मुझे तो इस किस्म की कोई पैगाम नहीं आया, ना कोई ताज़ियत के लिए आया, और मेरे ख्याल से ये कुछ मुनासिब भी नहीं था कि वो ताज़ियत के लिए इस वक्त पर आए, जिस वक्त हम लोग गम से निढाल हों कि इतना दुख जो है और जिस किस्म का जो ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ नहीं मेरे भाई और भतीजी के बल्कि और भी कई लोगों को इन्होंने जो है इस तरह से अपनी जो है किलिंग मशीन के ज़रिए जो है जिनकी जाने गई हैं और लोग ज़ख्मी हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो गाड़ी नहीं थी, एक किलिंग मशीन थी। एक औरत जो है वो 7 करोड़ की गाड़ी चला रही है, लेकिन कहा जाता है कि वो पागल है। एक औरत जो है वो सड़क पर ड्राइव कर रही है, कई सालों से कर रही है, लेकिन हादसे के बाद कहा जाता है कि वो ज़हनी मरीज़ा है। तो मैं इस वक्त उन्हीं अपार्टमेंट्स के बाहर मौजूद हूँ और मेरे आसपास जो है वो इलाका मकीन भी जमा है। यहाँ पर सियासी और समाजी शख्सियात जो है वो दुआ के लिए, ताज़ियत के लिए गुलजार हिजरी के इन अपार्टमेंट्स में तो आ रहे हैं और यहाँ पर दुआ कर रहे हैं मगफरत के लिए। और ये वो अपार्टमेंट है जहाँ से इमरान आरिफ रोज़ अपनी जवां बेटी को लेकर जाते थे, उसको उसकी जॉब के लिए, उसको उसकी तालीम दिलवाने। उन्हें नहीं अंदाज़ा था कि एक दिन जब वो अपनी बेटी को लेने निकलेंगे तो वापस अपने घर नहीं आएंगे। तो ये जो अमीर ज़ादे हैं, जो ये रेवो डाला कल्चर जो है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लैंड क्रूज़र हैं, जो गाड़ियाँ भगाते हुए नहीं देखते कि हमारे पास से बाइक सवार कौन गुजर रहा है, छोटी गाड़ी वाला कौन गुजर रहा है, और नशे में धुत होकर गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस की भी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए।
ताकि मुतासरा फैमिली को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।